कोटवा से पकड़ा गया। वही देखिए, जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हैं। बीती रात टेल्को के गैस ड्रिलर राहुल कुमार के घर के बाहर स्कूटी सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग कर अपराधियों ने गैस डीलर के स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अपराधियों ने फायरिंग सितारा मटेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा लाइन नंबर 5 स्थित मकान के बाहर की। पिछले 24 घंटों में अपराध की ये तीसरी वारदात सामने आई है। पहले बागबेड़ा के किताडी में रेलवे कर्मी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद टेल्को के बारी नगर में चाकूबाजी की घटना हुई। उसके बाद फायरिंग की ताजा घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रंगबाजी के लिए ये फायरिंग की। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहे और एक वहाँ का लोडेड एक मैगजीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोक्का मिला। और इसमें हम लोग कल रात में रेड किए, जो जो हम लोग को संदिग्ध लगा कोरोना क्रिमिनल जो ऑनसाइट में काफी से वगैरह है उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ दो परिवार के बीच में कुछ लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। वहीं बोकारो के जरीडी थाना इलाके के आनंदपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपनी मां की पीट पीट कर हत्या कर दी। बेटे को शक था कि उसकी मां डायन है, जिसकी वजह से वो बीमार रह रहा है। इसी शक में उसने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी को कोई पछतावा भी नहीं था। आरोपी परमेश्वर मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आदिवासी इलाके में इससे पहले भी अंधविश्वास के चक्कर में कई हत्याएं हो चुकी हैं। अंधविश्वास के बारे में, वो हमेशा बीमार रहता था, वो सोचता था कि मेरा माँ हमको खा रहा है, मेरा माँ के चलते हमको ये सब हो रहा है पूरा, जिसके कारण हुआ ना। मामला ये आनंदपुर का है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र गाँव है और डैन कह करके आपने ही माँ का हत्या कर दी गई है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस के आधार पर इनको गिरफ्तार करके करें और हम कहते हैं कि इस समाज के लिए भी कलंकित है और कानून के लिए भी बहुत शर्मनाक काम है। बताया जा रहा है कि जो जिसने ये घटना कारित की है वो उसके परिवार में मतलब कि ठीक नहीं चल रहा था, मतलब बीमार चल रहे थे, तो उनको ये शक हुआ है कि मतलब कि ये डायन है, मतलब माँ डायन है, इस कारण से कुछ हो सकता है। लेकिन वैसा अभी कुछ अनुसंधान में भी नहीं आया है, अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वास्तविक क्या है। सिमडेगा में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। उड़ीसा से लगातार गांजा का खेप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिमडेगा में पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले 8 महीने में करीब 1500 किलो गांजा जब्त किया गया है, साथ ही कई नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार किया गया है। जंगल का फायदा उठाकर नशे के कारोबार सिमडेगा इलाके से गुजरने वाले रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इनके जब्त किए मैंने ट्रक, इनके जब्त किए मैंने 6-6 मारुति कार, इनके जब्त किए मैंने बोलेरो 2-2 गाड़ी और इनोवा गाड़ी, इसके साथ साथ मोटरसाइकिल भी। और जब भी सूचना मिलती है सिमडेगा जिला पुलिस की टीम तत्पर है इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए और कर रही है। वैक्सीन नहीं होने की